हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो आप ठीक ही रहिए। तो सुबह सुबह मत नहाना, क्योंकि मैंने नहा लिया तो मुझे ठंड लगने लग गई और तबीयत भी ख़राब हो रखी है 2 दिन से। फिर भी आज मैंने सुबह उठ के नहा धो के पूजा करने लग गई। तो मैंने उठा सुबह पहले, फिर सबसे पहले तो मैंने सफाई करी मंदिर की, क्योंकि काफ़ी दिन से ठंड के वजह से मैं बहुत ज़्यादा आलस कर रही थी, नहा नहीं रही थी। मैं दोपहर ही में नहा रही थी, 10 बजे 11 बजे नहा रही थी। तो इसका भी एक कारण है गाइस कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सुबह सुबह 7:30 बजे का स्कूल है उनका, तो नहीं नहाना धोना नहीं हो पाता इतना जल्दी। तो उन्हें स्कूल भेज के जब ही नहाना धोना होता है, हस्बैंड को ड्यूटी भेज के, तो जब भी कुछ हो पाता है, तो इसलिए मैं नहीं नहा पाती। तो आज तो छुट्टी थी बच्चों के स्कूल की, तो मैंने सोचा नहा के सुबह सुबह पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर चाय नाश्ता करेंगे। तो मैंने तो मंदिर वंदिर वैसे साफ़ कर लिया था, फिर मैंने पूजा के बर्तन भी धो लिए, अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसे गंदा पड़ा था, नहा नहीं पा रही थी। बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वो भी एक वजह हो गया था, नहीं कर पा रही थी। तो आज चलो मैंने सोचा चलो आज पूजा कर ही लेते हैं। तो मैंने पूजा के बर्तन वगैरह धो लिए, सब साफ़ से कर लिया। फिर मैं फूल भी ले आई थी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है अभी फूल वगैरह लगाने के लिए कि मैं फूल लगा सकूं। जब जगह होगी, जगह बनेगी, फिर मैं लगा लूँगी। तो मैंने फटाफट सफाई वफाई करके मंदिर की पूजा भी कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे एक पटिया लगा रखी है, टुकड़ी होती है गाइस, टुकड़ी भी बोलते हैं, पटिया भी बोलते हैं, स्लैब भी बोलते हैं उसको। तो लगा के मंदिर थोड़ा ऊपर कर लिया था, क्योंकि मंदिर लगाने की अलग से जगह नहीं है मेरे घर में, घर छोटा है इसलिए अलग से मंदिर लगाने की जगह नहीं है गाइस। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी यहाँ पर चीज़ें नीचे रखी हुई हैं, जो कि मैंने एडजस्ट करके यहाँ पर रख दी हैं। तो करना पड़ता है गाइस, मेरा मंदिर मैंने खुद सजाया है। ये सब चीज़ें अर्च करके फिर मैंने पूजा वूजा कर ली, साफ सफाई हो गई थी। फिर इसके बाद बाहर भी तुलसी का पौधा लगा रखा है मैंने, एक जगह तुलसी का पौधा भी है, और शंकर भगवान जी को भी बिठा रखा है मैंने, वहाँ भी मैं पूजा करूँगी अभी, वो भी आप लोग को दिखाऊँगी। तो मैंने आपको यहाँ पर अपना उंगली दिखाया, तो मैंने दिखाया एक जो बीच की उंगली होती है उसे टीका लगाते हैं, अंगूठे से लगाते हैं, तो वही मैं आप लोग को बता रही थी। तो यहाँ पे फटाफट पूजा वूजा करके फिर अब बाहर की पूजा करूँगी, मत्था वगैरह टेक लिया था। गैस पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो होता है ना, क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा चौपाई होती है, उसको मैं जब भी पूजा करती हूँ तो वही गुनगुनाती हूँ, वही गा के फिर मैं पूजा अपना कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे वो सब कर लिया था मैंने, कर और के फिर बाहर की दिया बत्ती करूँगी। तो गाइस, जब भी मैं नहा धो के पूजा करती हूँ ना, तो तुलसी माता का पौधा लगा रखी हूँ, उनकी भी पूजा करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह जल चढ़ाना शंकर भगवान जी को और तुलसी माता को अच्छा लगता है, पूजा करने में सही लगता है। तो मैंने यहाँ भी जल उल चढ़ा दिया था। फिर इसके बाद तैयारी है पूजा करने के बाद, तोड़ूँगी तोरियाँ, क्योंकि बहुत सारी हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो गई हैं, तो मैंने सोचा आज उसको भी तोड़ ही लूँगी पूजा वूजा ख़त्म करके। तो यहाँ पूजा वूजा तो ख़त्म कर दिया मैंने, हो गया था ख़त्म, थोड़ी सी रह गई है बाकी, यहाँ मत्था वत्था टेक लूँगी मैं पौधे के पास, आशीर्वाद ले लूँगी तुलसी माता का। दस आज मैं तोड़ूँगी तोरी, इधर लगी हुई है, आप लोग को दिख रही है नहीं, दिखाती हूँ मैं, वहाँ तोरी लगी, उधर लगी है, और आज तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए तोड़ते हैं आज तोरी आप लोग को। तो गाइस, ये देखो यहाँ पे है तोरी, ये सब तोड़ने चलते हैं। तो मैं पहले तोरी तोड़ लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि अकेले बन नहीं रहा है। तोरी तो बहुत सारी हैं, पर अभी कुछ पतली भी हैं, कुछ मोटी भी हैं, तोड़ने लायक भी है, नहीं भी है,
ये देखो झाड़ी में है, ये वहाँ पर है। ये देखो झाड़ी में घुस के पड़े हैं। गाइस यहाँ धूप की रोशनी भी कैमरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो चमक रहा है, कैमरा भी सही से दिखाई नहीं दे रहा और अकेले वीडियो बनाते हुए भी नहीं बन रहा क्योंकि गाइस थोड़ी तो तोड़ ली क्योंकि गाइस अभी नए नए हैं वीडियो बनाने वाले, ब्लॉग बनाने वाले, तो इसलिए सही से आता नहीं है। तो जितना भी आता है मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, दिखा देती हूँ। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना गाइस कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। स्टोरी निकली हुई है, ये देखो तीसरी तोरी निकली, कीड़े भी लगे हुए हैं। तो आज के ब्लॉग में गाइस बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर।